क्योंकि ये तो एक हमारी प्यारी सी GTR है। बहुत सारे कमेंट्स थे, हर कोई बोल रहा था कि भैया यार आपकी जो GTR है ना उसमें पीछे से यार एक स्पॉइलर तो बनता है, मतलब एक विंग तो बनता है यार। तो मैंने कहा यार तुम्हारी बात नहीं मानेंगे क्या, तो हम लोग लेके आके भाई देख रहे हो कितना ज़्यादा एक्सटेंडेड विंग है, एकदम क्रेजी भाई। मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके साथ साथ भाई बहुत टाइम हो गया था कि हमने अपनी GTR को काला ही पेंट करके रखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर एक नया पेंट वेरिएशन निकाला। मतलब बेसिकली इसमें क्या है, ये थोड़ा सा पिंक भी लग रहा होगा बट ये पर्पल भी है, फिर ये डार्क पर्पल भी है। देखो जहाँ पर भी हम लोग, ये बेसिकली रंग बदलता है भाई जैसे जैसे तुम लोग इसको वो करोगे। ओके हम लोग न्यूट्रल में थे, माय बैड। यार जब बजी रहे तो बजा ही देते ना। हम लोग सबसे पहले तो अपनी पगानी लेके आते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को अपनी पगानी चलाने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है। हम लोग के इस वाले घर में हमने पगानी रखी हुई थी, पार्क की हुई थी, तो सबसे पहले तो हम लोग अपनी पगानी लेके आते हैं। चलो, और उसके साथ साथ मैं रस्ते में तुम्हें समझाता हूँ कि आज हम लोग क्यों आए हुए और आज का दिन इतना ज़्यादा स्पेशल दिन क्यों है। भाई सबसे पहली बात तो ये क्या लग रही है भाई गाड़ी, मज़ा ही आ गया। मेरे को हल्की सी ना सीट नीचे कर देता हूँ, ये ना ज़्यादा ही ऊँची हो जाती है फिर इसको चलाने के हिसाब से। देखो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, आज हम लोग इसलिए आए हुए हैं क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी रेयर, और क्रेजी रेयर से मेरा मतलब है हद से ज़्यादा क्रेजी रेयर गाड़ी। मतलब दुनिया में सिर्फ 19 गाड़ियाँ ऐसी प्रोड्यूस हुई थी। क्यों? क्योंकि इनको, पहली बात तो ये भाई हाइपर कार है, ठीक है ना, एक मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गाड़ी है। मतलब जैसे पगानी भाई जो ह्यूरिया थी अपनी, जो ह्यूरिया अपनी रोडस्टर तो नहीं थी अपनी, बट जो अपनी ह्यूरिया थी वो भाई बहुत ही ज़्यादा क्रेजी थी। बट एट द सेम टाइम ये कार भी भाई किसी से कम नहीं है। ये तुम में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देखी होगी, भाई मैंने भी जिस समय पहली बार देखी थी मेरे को इससे देखते ही प्यार हो गया था। तो आज भाई फ्रेडी ने मेरे को इतनी अच्छी गुड न्यूज़ दी है कि मतलब मेरा तो मन करा भाई चूम ही लूं फ्रेडी का सर। भाई आज आई हुई है मार्केट में लैम्बोर्गिनी सियान, तुम समझ रहे हो, और ऐसी वैसी नहीं भाई, लैम्बोर्गिनी सियान रोडस्टर। भाई अभी तुम लोग देखोगे इतनी ज़्यादा क्रेजी है। सबसे क्रेजी बात इस गाड़ी की क्या है पता है, ये गाड़ी पूरे के पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 19 प्रोड्यूस हुई थी। कहने के बाद इसके 19 बेसिकली मतलब बेसिकली टोटल वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 19 गाड़ियाँ, और आज ऑक्शन पे एक गाड़ी आने वाली है। मेरे को नहीं पता हम लोग ले पाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये गाड़ी 3.5 मिलियन के आसपास निकलती है नॉर्मली, तुम समझ रहे हो। मतलब जब लोग इसको लेने के लिए आते हैं तो $3.5 मिलियन देते हैं। अब तुम सोचो $3.5 मिलियन अगर तुम इंडिया में करोगे तो 100% टैक्स भी लगेगा, तो वो $7 मिलियन हो जाते हैं। और फिर तुम लोग 7-8 कर लो, 7 से 49 56, भाई 56 करोड़ बेसिकली 56 करोड़ भी बहुत अच्छे वे में बोल रहा हूँ मैं, ये बेसिकली तुम्हें 60 करोड़ से ऊपर की गाड़ी मिलेगी, बहुत ऊपर एक्चुअली, ठीक है, 70 करोड़ 60 करोड़ के बीच में ये गाड़ी मिलती है। बट आज हमारी किस्मत है भाई, ये कोई ना कोई बंदा भाई अमीर बंदा अपनी गाड़ी, इसने देख भी लिया भाई हमको ये करते हुए। ओप्स, कॉर्वेट वाले भैया किसी को बता, कॉर्वेट ही है नहीं, कौन सी गाड़ी चला रहे, कॉर्वेट नहीं शेवले है यार, कैमेरो भाई, कैमेरो को नहीं पहचान पा रहा हूँ मैं। व्हाट इज दिस भाई, क्या हो गया है मेरे को। हाय हेलो डेविल, हेलो भाई, हेलो लव यू, मिलते हैं अगली बार। चलो भाई यार कम ऑन यार, एक शेवी कैमेरो को तो हरा ही सकती मेरी GTR यार। It's about to get swifty in here. भाई तो ऐसी गाड़ी, मैं मजाक नहीं करूंगा, जैसी मेरे को गुड न्यूज सुनाई है ना भाई फ्रेडी ने, मैं तो भाई क्रेजी हो गया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा।
भाई मेरे कान खड़े होकर मैंने कहा भाई अब तो मेरे को गेम में हॉप ऑन करना ही पड़ेगा, मैं डायरेक्टली भाई आया हूँ यहाँ पे। हम लोग आज कैसे भी लैम्बोर्गिनी सियान लेनी है, बट दिक्कत एक ही हो गई है भाई। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो 5 रेसेस करी थी जिसमें हम लोग आई थिंक 4 में फर्स्ट आए थे और 1 में थर्ड या सेकेंड आए थे, तो उस टाइम ना भाई फ्रेडी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। उस बंदे ने लाइक हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ, जो भी करा था मेरे को नहीं पता, बट भाई उस बंदे को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो वो सियान तुम्हें पता है मेरे को बताया क्यों उसने? क्योंकि उसके पास दोबारा से वैसी एक डील है जिसमें वो मेरे को वो सियान ऑक्शन हाउस से दिलवा सकता है, बट हम लोगों को उसकी 5 रेसेस में कम से कम 3 में थर्ड और बाकी 2 में एट लीस्ट मतलब एट लीस्ट भाई हम लोगों को थर्ड आना पड़ेगा। 3 में तो हमें फर्स्ट आना ही आना है, उसके साथ साथ हम लोग अगर हम लोग और अच्छा परफॉर्म करेंगे, बेसिकली सीधी सी बात है भाई, फ्रेडी हमें और भी बहुत ही ज़्यादा हाइपर रेयर कार दिलाते रहेगा भाई, मैं मजाक नहीं करूँगा। वो भाई लिटरली बहुत भाई ड्रीम कार भी नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि वो ऐसी गाड़ी है जो बहुत कम लोगों के हाथ लगती है, और हम लोगों को आज मौका मिला है तो भाई हम तो जाएंगे लेने, बट पहले मैं इस गैराज से अपनी पगानी निकालता हूँ। गाइज हमारी पगानी फाइनली यहाँ पर आ चुकी है भाई। ये क्या लगती है और क्या दिखती है और क्या, ये सुनो यार, भाई यार ये क्या गाड़ी है भाई, मैं मजाक नहीं करूंगा यार। यार पगानी हीरिया अलग ही गाड़ी है भाई, अलग ही गाड़ी है ये, मैं नो लाइज भाई, ये कुछ ज़्यादा ही क्रेजी नेक्स्ट लेवल कार है। बट जो हम लोग भाई अगर चाह भाई मेरे को बता दिया है फ्रेडी ने कि पहली रेस कहाँ होने वाली है, और जहाँ होने वाली है मेरा मूड ऑलरेडी ख़राब हो गया है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई रेस से मूड ख़राब क्यों है, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ पर मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि रेस ना मिले, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरा हाथ सबसे ज़्यादा टाइट है। वो एक प्रॉपर F1 सर्किट है, तुम समझ रहे हो, वो एक प्रॉपर F1 सर्किट है जिसमें चलाना बहुत ही, मतलब F1 सर्किट नहीं है, बेसिकली एक रेस सर्किट है वो, बट वहाँ पे चलाना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है फॉर मी, क्योंकि उसमें ना अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस ही होता है। जैसे हमारे पास थोड़ा सा रोड रेस का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने मैक्सिमम रोड रेसेस कर रखी है भाई। हम कैसी जगह पे चला रहे हैं, पगानी की हालत देख लो एक बार भाई, भूत बन गया गाड़ी का, तुम देख रहे हो भाई, भूत बना दिया गाड़ी का, मजाक से हट के कैसी लग रही है। चलो कोई नहीं, अभी तो निकालते हैं इसको फटैक से। भाई मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, लेजिट, तुम समझ रहे हो ना, मतलब भाई एक लैम्बोर्गिनी सियान रोडस्टर जिसके अंदर तुम लोगों को एक V12 6.5 लीटर का V12 इंजन मिलता है, मतलब नेचुरली एस्पिरेटेड है कि नहीं है वो मेरे को कन्फर्म नहीं पता है, क्योंकि एक HH है, एक हाइब्रिड हाइपर कार है, हाइपर कार तो है भाई लेकिन हाइब्रिड हाइपर कार है, मतलब तुम्हें पता ही होगा कि इसमें एक इलेक्ट्रिकल मोटर भी है, वो कितने किलोवाट के वो मेरे को पता नहीं है, बट भाई इसका इंजन तो बहुत ज़्यादा क्रेजी है। नेचुरली एस्पिरेटेड मेरे मुंह से इसलिए निकल गया क्योंकि बेसिकली इसमें एवेंटेडोर SVJ वाला V12 है ना, और वो नेचुरली एस्पिरेटेड है, तो इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। बट भाई अगर ये गाड़ी हमारे हाथ लग गई ना तो मज़ा आ जाएगा। प्लीज़ सारे के सारे प्रे करना कि हम लोग इन 5 रेसेस में एटलीस्ट 3 में फर्स्ट आ जाए, और 2 में भाई अगर हम लोग, मान लो 2 में अगर हम लोग थर्ड भी आ जाते हैं चलेगा मेरे को, बट एक ही दिक्कत है कि पहली रेस इस सर्किट के अंदर है जो कि बहुत ज़्यादा टफ है, तो भगवान बचा लेना भाई बस। चलो गाइस चलते हैं भाई, 5 लैप निकालने हम लोगों ने इसके अंदर भाई, फॉर श्योर हम लोग पगानी लेके आए तो पगानी से ही तो रेस करेंगे भाई। सीधी सी बात है ये ओवल वाला है भाई, बहुत खतरनाक, बहुत हार्ड रहता है मेरे लिए, मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा, बट ये क्या लग रही है भाई गाड़ी, और ये सूट भी अच्छा लग रहा है भाई मेरे ऊपर, पूरी कार्बन फाइबर भाई, पूरी कार्बन फाइबर लिटरली ब्रो, कहीं से भी देखो किसी भी एंगल से पूरी कार्बन फाइबर कार है। हो जाए भाई आ जाओ, फ्रेडी खुद रेस कर रहा है, वेट अ मिनट ब्रो, अगर इसने वेजर लगाया खुद रेस क्यों कर रहा है, और ये गाड़ी कौन, ओ भाई ये भी पगानी, व्हाट भाई कितनी पगानी आ गई यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग। ये कौन सी है भाई, ओके देखने का टाइम नहीं, नहीं 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 नो 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 नो, क्या कर रहा है, कम ऑन अंशु, कम ऑन ब्रो, नहीं 9th लैप भाई, हम लोग 9th हो चुका है, ये दूसरा लैप है, और ये बहुत छोटा वो है सर्किट है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ सही में, नो वे ब्रो, नहीं यार हम लोग को एटलीस्ट थर्ड आना है भाई। भाई पहली बारी में ही हक देंगे क्या हम, कमॉन अंशु, कमॉन यस यस, कमॉन यू कैन डू दिस अंशु, कमॉन ब्रो, कमॉन यार यू कैन डू दिस, कमॉन यस, हो रहा है द एंड इज नियर गाइस, कमॉन यस यस,
यस भाई, ओ भाई थैंक यू, सेकंड आगे भाई, सेकंड आगे एटलीस्ट ब्रो। बहुत ही गंदी स्टार्ट हुई है, मजाक नहीं करूंगा, बट भाई हम लोग फिर भी सेकंड एटलीस्ट आगे, वो वाली बात हो गई भाई। हम लोग फर्स्ट नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, बट मेरे को डर लग रहा था हम लोग फोर्थ ना आ जाए, क्योंकि हम लोग फोर्थ थे भाई एंड तक का, तुम समझ रहे हो, हमने लास्ट में थोड़ी बहुत गाड़ी खींची है। ओ भाई मेरे को लिटरली सूर्या ने बचा लिया भाई, आज जिस हिसाब से निकलती है ना भाई, एकदम से गियर डाउन करो और गायब गाड़ी भाई। भाई इस गाड़ी ने लिटरली मेरी जान बचा ली आज, मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा भाई, इस गाड़ी ने मेरी जान बचा ली, वरना तुम समझ रहे हो ना यार, जो गाड़ी मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद है वो आज हम ले ही नहीं पाते। अब हम लोग कैसे भी अगली तीन रेसेस में भाई फर्स्ट आना है, क्योंकि इसमें तो हम लोग सेकंड आ गए, तो थर्ड ही मानो भाई, मतलब टॉप थ्री में आना है राइट, दो में। भाई ये बहुत टफ होने वाला है, ये वाला मेरे को बहुत टफ लग रहा है भाई, अगली वाली पे चलते हैं रेस में। फ्रेडी को कॉल लगाता और पूछता अगली रेस का है। तो गाइस अगली रेस है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, ये एक स्प्रिंट रेस है, और मेरे को लग रहा है कि भाई ये थोड़ी सी अटपटी रेस होने वाली है, क्यों मैं तुम लोगों को भी बताऊंगा, बट पहले यहाँ से निकलते हैं भाई। मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, थोड़ी सी फट गई थी, ठीक है, मेरे को लगा कि मेरे हाथ से वो लैम्बोर्गिनी सियान आज निकल जाएगी, बट ठीक है कोई बात नहीं, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, अब हम लोगों को भाई थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा और थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा अब नहीं भाई, और गलतियों का कोई गुंजाइश नहीं हमारे पास, 4 रेसेस और बची है हम लोग का, एटलीस्ट इनमें से 3 में फर्स्ट आना है और 1 में हम लोग, मैं सोचूंगा भी नहीं भाई, हमें 4ों में फर्स्ट आना है, अगली 4 की 4 रेसेस में हम लोगों को फर्स्ट आना है। मेरे दिमाग में लिटरली वही चला था कि एटलीस्ट थर्ड आ जाएंगे, और फिर देख लो ना क्या करा हम लोगों ने। अरे ये तो घर का रास्ता है भाई, हमारा एक घर है ना यहाँ, नहीं ये दूसरा है, माय बैड, ये नहीं है वो जगह भाई, कैसी जगह में मैं अपनी यूरिया लेके आ जाता हूँ भाई, लेजिट ब्रो, लोग अपनी ऑफ रोडिंग गाड़ियाँ ना लेके आए, यहाँ पे मैं अपनी यूरिया लेके आ जाता हूँ, तुम हरकतें देख रहे हो मेरी, क्या करता हूँ मेरे को भी नहीं पता है भाई, थोड़ा सा भाई बचा के चलो, बट लेट्स गो यार, अब माइंड सेट बनाना पड़ेगा गाइस कि कैसे भी हम लोगों को 4ों की 4ों में फर्स्ट आना है, 1 में सेकंड आगे चलेगा बट अब 4ों में फर्स्ट आना है भाई। मैं नहीं चाहता कि वो लैम्बोर्गिनी सियान हमारे हाथ से भाई, 19 वर्ल्ड में 19 है सिर्फ और सिर्फ, तुम समझ रहे हो यार, मेरे को उसके लिटरली इंजन की आवाज़ सुननी है भाई, मेरे को उसके लिटरली वो जो V12 है ना 6.5, मेरे को उसकी आवाज़ सुननी है, और बाय द वे जिसको पता नहीं है, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए भी हो रहा हूँ क्योंकि उसमें एक टाइम पे तुम समझ रहे हो रिवेल्टो आ गई है, बहुत ज़्यादा पावरफुल गाड़ियाँ हैं ये भी, बट भाई लैम्बोर्गिनी का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट या पावरफुल भाई, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंजन है उसके अंदर, एक टाइम पे तो 2019-2020 में तो वो सबसे पावरफुल इंजन था, मेरे को अभी भी नहीं पता वैसे, क्या पता अभी भी हो, यू डोंट नो भाई, बट तुम समझ रहे हो ना उसके अंदर कितना खतरनाक इंजन है भाई, कम ऑन यार लेट्स गो भाई। हम लोगों को, मेरे को लग रहा है कि ये देखो कॉपर कैनियन स्प्रिंट, तो कैनियन मतलब कि ये पहाड़ों में जाने वाले राइट, मैं अपनी GTR निकाल रहा हूँ भाई, GTR अगर हम लोगों को ड्रिफ्ट मारनी पड़ी तो GTR काफ़ी अच्छे से काम आती है कायदे से, वैसे मेरे को फिर इस हिसाब से तो सुपरा निकालनी चाहिए, सुपरा MK5 जो मेरे पास ड्रिफ्ट वाली है, बट वो फुल्ली ड्रिफ्ट है, ये कैसी है, 4-व्हील ड्राइव है, बट ई ड्रिफ्ट मारना बहुत ईजी हो जाता है, तो वो करते हैं। डाउन फोर्स के लिए तुम्हारे भाई ने इतना बड़ा स्पॉइलर लगा दिया, ऑल थैंक्स टू यू गाइस, तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा ही खतरनाक कर दिया था यार कमेंट्स में कि भैया ये अच्छा नहीं लग रहा है, लगाओ, तो वो कर दिया हम लोगों ने, लेट्स गो, हो जाए भाई। आई थिंक एक टर्बो भी चल रही है हमारे साथ, एक कॉर्वेट है आगे, लेट्स गो, हो जाए। भाई लेजिट मैं मजाक नहीं करूंगा, वो पगानी चलाने के बाद ये इतनी स्लो लग रही है ना अभी भाई, वो लिटरली हाइपर कार है यार एक बारी को, तुम समझ रहे हो, वो कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल निकलती है यार, बट फिर यार GTR तो GTR है, और ये झूठ मत बोलना ये कलर क्रेजी नहीं लग रहा है इसमें यार, अरे यार ये भाई हर बार दिल ले जाती है गाड़ी मेरे भाई, देख रहे हो क्या कलर क्रेजी नहीं लग रहा है, नहीं। देखो मैं बोल रहा था ना ये कैनियन मतलब वही था ना, ड्रिफ्ट में मार के नहीं मारूंगा, अगर जरूरत पड़ गई तभी करूंगा बदतमीजी, वैसे नहीं करूंगा कि हर समय जबरदस्ती की ड्रिफ्टें मार रहे, जहां पे स्लो हो सकती है गाड़ी वहां पे स्लो कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी तो 300 की रफ्तार से चल रही है, थोड़ा सा ढंग से भाई, अगर गिरे तो ख़त्म है रेस, समझ रहे हो तुम लोग, बगल में कोई बैरियर नहीं है कि तुम रेस से बाहर हो गए तो वापस आ जाओगे, गिर गए तो अंदर ही जाओगे सीधे कैनियन में, मतलब रेस से बाहर सीधा,
थोड़ा सा ढंग से, वैसे हम लोग फर्स्ट चल रहे भाई, ये रेस लिटरली बहुत इजी केक हो रही है हमारी इसके लिए, निशान के लिए। ध्यान से ध्यान से ध्यान से भाई, ये ब्रिज तोड़ के भी बाहर हो जाएंगे हम लोग, समझ रहे हो? आराम से भाई, भाई रोड पे रखना मुश्किल हो जाता है कभी कभार। कम ऑन यार भाई, बहुत टाइम बाद खेलो ना तो थोड़ा सा हाथ छूट जाता है, बट फिर वही है कि एक दो रेसेस करने के बाद हाथ टाइट हो भी जाता है। बट जेन्युइनली स्पीकिंग भाई, मेरे को पता है बहुत सारे लोग देखते होंगे और बोलते होंगे भाई इससे अच्छा तो मैं खेल लूंगा ये वो, बट सच्ची में यार मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कीबोर्ड माउस और कंट्रोलर से खेलने से और इसमें खेलने में, मैं ये नहीं बोलूंगा कि रियल कार वाला फील है भाई, रियल कार अलग ही भक्ति है, बिलीव मी रियल कार बहुत ही अलग भक्ति है, और उसको कंट्रोल करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है, खास करके 200-200। तो यस, मतलब वही वाली बात है, तो वही वाली चीज़ है। चलो मैं ज़्यादा ना इधर उधर की बातों में लग रहा हूँ, मेरे पीछे देखोगे एक बार तो इन लोगों ने कैचअप कर लिया है भाई, मैं बहुत ज़्यादा स्लो चला रहा हूँ एट दिस पॉइंट। चलो अंशु चल, 84% भाई, अब नहीं दे सकता मैं किसी को अपना फर्स्ट पोजिशन, समझ रहे हो ना? अंशु चल चल, लेट्स गो लेट्स गो, एंडिंग इट विद अ ड्रिफ्ट भाई, क्या ड्रिफ्ट हमारे पीछे देखा, मतलब सेटल थी बट बहुत क्यूट थी भाई, घिस गई गाड़ी। लेट्स गो गाइस, कॉपर कैनियन स्प्रिंट फर्स्ट पोजीशन, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो भाई, मजा आ गया भाई, हम लोग आ चुके अपनी सेकंड रेस में फर्स्ट, इसका मतलब कि हम लोगों को बस अगली दो रेसेस में फर्स्ट आना और एक में एटलीस्ट थर्ड आना है। लेट्स सी हम लोगों क्या, 5000 क्रेडिट भाई, एटलीस्ट वो पुरानी वाली 510 तो दे देते, कुछ तो देते भाई। गाइस हम लोगों को अपनी अगली रेस मिल चुकी है, मैं तो घुमा रहा हूँ भाई GTR को, और रात के अंधेरे में भाई GTR की लिटरली जो चार लाइट्स होती है वो क्या ओ भाई साहब, यार ये क्या लग रही है भाई, भाई लेजेंड क्या लग रही है, देख रहे हो तुम लोग, पूरी रोड चमका दे रही है भाई। अरे मैं कहाँ काट रहा हूँ, लेकिन मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस निशान GTR के एग्जॉस्ट पे, मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा भाई, क्यों झूठ बोलूंगा भाई, क्या फ्लेम्स निकाल रही है, देख रहे हो कितना कूल लग रहा है। भाई कूल क्या होगा पता है, जब मैं ढंग से थोड़ी सी गाड़ी चला लूँ अभी, ना कि खाली उसका एग्जॉस्ट को देखूं, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ तुम्हें, पूरा ध्यान मेरा उसका एग्जॉस्ट में है सिर्फ और सिर्फ। एक बार अंदर से देखते कैसी आवाज आ रही है, तो गाइज हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं भाई अपनी अगली रेस के पास, हम लोगों को इस रेस में कैसे भी फर्स्ट आना है, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोला, हम लोगों को इस रेस में कैसे भी फर्स्ट आना है, नो ऑप्शंस भाई, नो ऑप्शंस। पिछली बार यार हमारी स्टार्ट इतनी ज़्यादा अच्छी हुई थी ना कि मेरे को थोड़ा बहुत ना कॉन्फिडेंस आ गया था, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलूँगा बट कॉन्फिडेंस आ गया था। अभी क्या हो गया है कि हमारी स्टार्ट बहुत ही गंदी हुई है, हम लोग सेकेंड आ चुके, तो अब हम लोगों को कैसे भी अगली दो रेसेस में एटलीस्ट फर्स्ट आना है, और उसके बाद हम लोग एक बारी को थर्ड आना अफोर्ड कर सकते, बट हमारी स्टार्ट बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है, तो मेरे को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग भाई, तुम समझ रहे हो ना, लास्ट वाली में कुछ हक दे और उसके बाद हमें वो लैम्बोर्गिनी सियान कभी मिले ही ना, ठीक है? तो ये होने वाली है एक लैप रेस, सर्किट रेस होने वाली है, तो इस सर्किट रेस में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग चलो, हम लोग अपनी फरारी FXX के ईवो निकाल सकते हैं, बट ये एक बहुत क्रेजी गाड़ी है, तो मैं सोच रहा हूँ इसका एंड के लिए बचाते हैं, बाद की रेसेस अगर बाई चांस कोई खतरनाक जगह पर हो गई जहाँ मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो वहाँ पर के लिए इसको बचा के रखते हैं। हम लोग और क्या निकाल सकते हैं, हम लोग अपनी सुपर MK4 निकाल सकते हैं, बट इसको कंट्रोल करना भाई नामुमकिन है भाई, नामुमकिन। तो मैं सोच रहा हूँ हम लोग या तो फिर अपनी कॉनिकसेक जेस्को निकालते हैं, अभी 11 निकालते हैं, जेस्को निकालते हैं, हो जाए, वैसे कायदे से 11 निकाली थी लास्ट टाइम हम लोगों ने जेस्को निकाली थी, बट लेट्स गो बॉयस, लेट्स गो, हमारी कामिकाजे भाई, लिटरली ब्रो तबाही, तुम समझ रहे हो, कामिकाजे, लेट्स गो बॉयस, हो जाए भाई हो जाए। चलो आ जाओ, इन लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग कौन है भाई, लेट्स डू दिस बॉयज एंड गर्ल्स,
लेट्स डू दिस, कैसे भी फर्स्ट आना है, कैसे भी। भाई ये कौन है, ये क्या है, मैक्लारेन सेना है क्या है? तुमने देखा उसका एक्सेलरेशन क्या करा उसने? सॉरी सॉरी सॉरी, ये कौन सा, ये लैम्बोर्गिनी रिवेल्टो थी या फिर सियान रोडस्टर थी वो पीछे ब्लैक कलर की? भाई अब मुझे, भाई वो बहुत खूबसूरत लग रही थी भाई, बहुत ज्यादा, थोड़ी भी नहीं। अब मेरे को कैसे भी फर्स्ट आना पड़ेगा भाई, अब तो मुझे कैसे भी फर्स्ट आना पड़ेगा। फॉर सियान ब्रो, फॉर सियान, लेट्स गो। तो भाई यार गलत जगह आ गया हूँ मैं बहुत, और इसको लेके तो बहुत ही गलत जगह पर आ गया हूँ मैं यार। आज मेरा व्हील ना बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा है थोड़ी सी, मतलब मेरे ख्याल से ना मैंने इसकी वो कम कर दी थी, थोड़ी कैलिब्रेशन इधर उधर कर दी थी, मेरे को इसको कैलिब्रेट करके लेके आना चाहिए था। चलो पहले लैप में तो हम लोग फर्स्ट है गाइस, हो रहा है फिर इसका मतलब। थोड़ा ढंग से चला ले भाई, थोड़ा ढंग से चला ले यार। भाई मेरा बस चले ना, मैं कसम से इस गेम को ना रोज घिस दूँ, मतलब व्हील एटलीस्ट रोज घिस दूँ। बट फिर वही होता है ना कि टाइम वाइम का दिक्कत होता है, वरना मैं तो भाई रोज लग जाऊँ और एकदम प्रोफेशनल हो जाऊँ बिल्कुल। बट जो मज़ा आता है ना मैं बता भी नहीं सकता भाई, खास करके ऐसी गाड़ियाँ भाई। अभी हम लोग लिटरली 80 करोड़ की गाड़ी के लिए फाइट मार रहे हैं, तुम समझ रहे हो? ये रेस 80 करोड़ की गाड़ी के लिए हो रही है, जो कि रियल लाइफ में तो भाई भगवान ही जाने कभी नहीं होगा ऐसे, मेरे को पता है। बट वही वाली चीज़ है कि यार गेम में फील लेंगे ना एटलीस्ट। भाई आप कोई नहीं है मेरे आगे पीछे, हो गया भाई थर्ड लैप, वी आर फर्स्ट, इजी एज दैट। भाई अब मेरे को आ गया कॉन्फिडेंस, क्योंकि देखो अभी हमारे आसपास कोई है भी नहीं। ओके थोड़ा ढंग से रह ले। अरे चलो भाई अब हो गया, इजी इजी भाई। हेलो भाई, मैं लिटरली इस गाड़ी को ऐसा कूड़ा बनाते हुए चल रहा हूँ ना बिल्कुल, एकदम जैसे कुछ है ही नहीं गाड़ी। ओए नहीं 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 भाई, फाइनल लैप है ब्रो, व्हाट, फाइनल लैप पे आ गया। कैसे हक दिया, ऐसे कैसे हक दिया, ऐसे कैसे हक दिया भाई, भाई ये तुम्हारा भाई, ऐसे कैसे भाई, लेट्स गो। भाई मेरे पसीने छूट गए, मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा भाई, मैं ये उतार रहा हूँ, मेरे पसीने छूट चुके, मेरी हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है। वो रेस हम लोग ऑलमोस्ट हार गए थे, मतलब थर्ड भी नहीं आते, हम सिक्स्थ प्लेस पर आ गए थे भाई। भाई ये हाइपर कार्स ना भाई बहुत क्रेजी है ब्रो, ये गाड़ी ने जो बचाया है ना मेरे को, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, इस गाड़ी ने मेरी जान बचा ली भाई अभी, क्योंकि मैं जो सैड हो जाता ना भाई अगर मेरे को वो लैम्बोर्गिनी सियान नहीं मिली आज, भाई मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखेगा भाई। बट इस गाड़ी ने जो एक्सेलरेशन करके दिखाया है ना भाई, मेरा तो हार्ट फेल हो गया था ऑलमोस्ट भाई। तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, तुम्हें भी एक बारी को डर लगा या नहीं लगा भाई? तो भाई फ्रेडी ने हमें फाइनली अगली रेस की जगह दे दी है भाई, मेरे अभी तक का हालत टाइट है, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूँगा भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। हम लोगों ने वो कैसे क्लच करा है भाई मैं ही जानता हूँ, लिटरली बहुत ज़्यादा हालत टाइट हो गई थी, मैं जो डर गया था, मैंने, मेरे को लिटरली दिख रहा था कि हमारी सियान जा चुकी है, तुम समझ रहे हो, मेरे को लिटरली दिख रहा था कि गई सियान, हार गए हम लोग। बट कैसे ना कैसे करके भाई हम लोगों ने कर तो लिया है कुछ ना कुछ, बट अभी के लिए तो चलो भाई चलते हैं फटाफट। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना खुद पे, मैं बहुत टाइम बाद खेल रहा हूँ, तुम समझ रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा। लास्ट एपिसोड जब तुमने देखा था पगानी को हम लोगों ने मैक्स आउट किया था, उस समय पे खेला था मैंने, उसके बाद आज खेल रहा हूँ मैं इसको, तो मेरे को थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना, उस दिन के बाद मैं इसको आज खेल रहा हूँ, थोड़ा सा हो रहा है हालत टाइट मतलब खेलने मिलने में। बट भाई लिटरली मैं क्या बोलूँ तुम लोगों को, मेरी जो भाई, मैं तो बता रहा हूँ, मैं पॉम्टी कर देता भाई थोड़ी देर में, तुम समझ रहे हो, जो हालत हो गई थी ना जिस तरीके से वो सिक्स्थ दिखाया उसने, मेरा दिल टूट गया था उस टाइम पे, मैंने कहा ख़त्म भाई ख़त्म, अब नहीं हो रहा, इससे आगे नहीं जा पा रहे हम लोग, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग गया था।
बट हम लोग कैसे ना कैसे करके फर्स्ट आ गए। अब हम लोगों को इसमें भी कैसे भी फर्स्ट आना है, ठीक है, कैसे भी मतलब कैसे भी, लेट्स गो। ये एक स्प्रिंट होने वाली है, सो चलते हैं। स्प्रिंट में हम लोग क्या यूज़ करें भाई, जेस्को तो देखो टर्न्स में बहुत अच्छा वो देती है, तो हम लोग स्प्रिंट में क्या यूज़ कर सकते हैं, एक हमको लंबी स्प्रिंट मारनी है राइट, तो बहुत शार्प टर्न्स आएंगे वो सब होगा, तो हम लोगों को कुछ ऐसी गाड़ी लेनी पड़ेगी जो हमें शार्प टर्न्स और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा वो दे। और ऐसी मैं एक ही गाड़ी को जानता हूँ भाई, एसेंजा SV12 भी हमें, एक्चुअली एसेंजा SV12 यूज़ कर सकते हैं। क्या गाड़ी यूज़ करें भाई, हमें स्प्रिंट करनी है लंबी। देखो मर्सिडीज AMG 1 तो हम लोग गारंटीड एक रेस में यूज़ करेंगे सर्किट वाली, बट क्योंकि ये बहुत अच्छा टर्न करती है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो हम लोगों के पास अभी मोस्ट प्रॉब्ली 2 सर्किट रेस होंगी और 1 स्प्रिंट होगी, तो स्प्रिंट होने जा रही है, उसके बाद सर्किट, फिर स्प्रिंट होगी, हो जाए। चलो हम लोग फरारी को यूज़ करेंगे सर्किट रेस में, इसको हम लोग यूज़ करेंगे स्प्रिंट में, फिर देखते हैं हम लोग अगली स्प्रिंट में क्या यूज़ करेंगे। हम लोग बहुत टैक्टिकल चलना है क्योंकि मेरे हाथ से भाई वो लैम्बोर्गिनी सियान नहीं जानी है, मतलब नहीं जानी है, मुझे चाहिए भाई मेरे हाइपर कार कलेक्शन में वो लैम्बोर्गिनी सियान अगर आ गई ना, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या करने वाला हूँ भाई, बहुत ही क्रेजी हो जाएगा। चलो गाइज हो जाए 150K का, तो इसमें लिटरली पेंट ऑप्शन है, वो जो मर्सिडीज़ के ऐसे लोगोस बने आ रहे ना वो, तुम समझ रहे हो। चलो भाई आ जाओ, इनको दिखाता हूँ AMG 1 की पावर भाई, पगानी ह्यूरिया ये सब भी है या फिर जोंडा ही, आई थिंक ह्यूरिया ही है। थोड़ा ढंग से यार, मैंने इसका ट्रैक मोड तो ऑन किया हुआ है ना, हाँ ट्रैक मोड पे ही है, पता चला हाईवे मोड पे रेस कर रहा हूँ मैं, वैसे कायदे से हम लोग हाईवे में ही भगाने वाले। ओ भाई साहब, वो कौन सी गाड़ी थी भाई, उसका डाउन फोर्स देखा तुम लोगों ने, पीछे हो जा सन्ना भाई। मैं इसको बिल्कुल भी ऑफ रोड नहीं ले जा सकता गाइस, मैं भूल गया था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसको यहाँ लाके, पता है इससे मैंने क्या करना चाहिए था, इससे मैंने पहली रेस करनी चाहिए थी और ह्यूरिया बीसी को थोड़ा सा बात के लिए बचाना चाहिए था। शिट यार कोई बात नहीं, बट क्योंकि इसको अगर मैंने गलती से भी थोड़ा, ये देखो थोड़ा सा भी ऑफ रोड लेके गया ना, तो ये गाड़ी मेरी बैंड बजा देगी। बट इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या है भाई ये, नहीं 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 कहाँ को, थोड़ी सी ओए चीटर, खैर छोड़ो ये तो मैं 10 बार करता हूँ दिन में इससे फर्क भी पड़ता मुझे भाई, ये गाड़ी खड़ी हो जाती है यार ब्रेक मारते ही, मैं तुम्हें मजाक भी नहीं कर रहा सच्ची में। थोड़ा सा रोड पे रख ले गाड़ी को भाई, लेजिट ये गाड़ी लिटरली, देखो ये देखो ये देख रहे हो भाई, 200 से खड़ी कब हो जाती है पता नहीं। ओए भाई इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए अभी, पता है तुम्हें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है मेरे, बहुत टाइम बाद खेल रहा था उसकी वजह से और अजीब हो रहा है, बट फिर वही है ना हाथ की थोड़ी बहुत सटीकनेस तो है ही भाई, चलानी तो आती है ना, तो उसकी वजह से चला ले रहा हूँ मैं ऐसे। कैसे हम पागल है क्या यहाँ है, हम क्या पागल दिख रहे हैं क्या इसको, ले कोई आ रही है शायद, ओए आ रही थी भाई, मैं तो वो वाला करने वाला था ऐसे करके भाई, मैं आगे ले जाता भाई, वो ऑलमोस्ट हो गया था खत्म अभी। ओ भाई साहब भाई, वो कॉनिक्सेक वाला बंदा ले जाता अभी गेम पूरा, वो कॉनिक्सेक वाला बंदा ले जाता पूरा गेम। बट ये क्या गाड़ी है भाई, इसने क्या स्प्रिंट मारी है, मजा ही आ गया भाई कसम से, पता है जो फन भाई, ये देख रहे हो तुम लोग, ये एक हाइपर कार के अंदर का इंटीरियर है यार, क्या करता है मर्सिडीज भाई, लेजिट ये एक हाइपर कार है और उसके अंदर का इंटीरियर है ये भाई साहब, मेरे को नहीं पता भाई कैसे करते हैं, बट क्या क्रेजी। रुको एक मिनट, वो देखो रेव मीटर देखो एक बार भाई, पहले गियर कैसे लग रहा है, यार ये बहुत नेक्स्ट लेवल कार है। अब मैं फटाफट से भाई फ्रेडी से पूछता हूँ कि हमारी अगली रेस कहाँ है, क्योंकि हम लोगों ने 3 रेसेस कर ली हैं जिसमें से हम लोग एक में सैडली सेकंड आए, बट बाकी की 2 में हम लोग फर्स्ट आए थे। अब ये लास्ट की 2 रेसेस ही हमारा भाई फ्यूचर डिसाइड करेंगे, क्या हम लोगों को लैम्बोर्गिनी सियान मिलेगी या नहीं। तो गाइस अगली रेस के बारे में हम लोगों को बता दिया है फ्रेडी ने, अब चलो निकलते हैं फटाफट से भाई, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोगों ने, इससे पहले कि फ्रेडी का भाई दिमाग विमाग पलट। भाई ये गाड़ी क्या है ये, तुम लोगों ने देखा है इसने 250 कैसे पकड़ा है मजाक में,
और भाई ब्रेक लगाने पे ना अगर बाय चांस गलती से ऑफ रोड जा रही है गाड़ी तो ये तुम्हें ले जाएगी खड्डे में भाई। ये रोड लीगल है भी नहीं गाड़ी वैसे, बट ये रोड लीगल बननी भी नहीं चाहिए जिस हिसाब से जा रही है। क्या ड्राइवर का ही फर्क होता है भाई, जो बंदा ऐसी हाइपर कार चलाता होगा मतलब वो तो क्या ही भाई, वो तो क्या ही कंट्रोल करता होगा इसको, बट ऐसे कोई करता भी नहीं होगा ऐसे 300 मजाक में निकाल रहे कहीं से भी। ये देख रहे हो तुम लोग भाई, मैं आगे देख भी नहीं रहा हूँ क्या आ रहा है और सीधे भगाए जा रहा हूँ, खींचे जा रहा हूँ गाड़ी को। बट यार ये क्या ब्यूटी है कार, मैं मजाक नहीं करूँगा भाई, ये AMG वन तो भाई नेक्स्ट लेवल ही कार है भाई, ये नेक्स्ट लेवल कार है। मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि AMG वन वर्ल्ड में कितनी बनी है अभी तक का, मेरे को नहीं पता। वैसे सही बताओ तो मेरे को नहीं पता ये प्रोडक्शन में है, बंदों ने खरीदी या नहीं खरीदी, मतलब जेन्युइनली बताओ। आई थिंक मैंने 2 या 3 देखी हुई है अभी तक का, टिकटॉक दिखते जो यूट्यूब पे बेसिकली YouTube शॉर्ट्स पे देखता हूँ तो उसमें दिखते रहती हैं कि 1-2 गाड़ियाँ ऐसे ऐसे करके। बाकी तुम लोग बताना अगर तुम लोगों ने कहीं पे देखी हो किसी के पास या फिर वो सब, तो मेरे को गारंटीड से बताना। बट ये क्या गाड़ी भाई, तुम लोग देख लो 380 पे क्रूज कर रही है गाड़ी, क्रूज आराम से हलवे में। खैर अपनी करेरा एस भी कर सकती है, मतलब 380 में तो नहीं कर सकती, करेरा एस की स्टॉक में टॉप स्पीड है 308 या 315 ऐसा कुछ है, या भी 320 आई है, 320 है पता नहीं, 320 आएगी, हाँ 320 के आसपास है स्टॉक में। बाकी तो फिर यार तुम लोग उसको अगर ट्यून करवा दोगे तो फिर तो क्रेजी बन जाएगी, मैं करवाऊंगा भाई गारंटी, तुम देखो। अभी मेरे को थोड़ा टाइम वाइम नहीं मिल पा रहा है ना, वरना मैं उसको भाई ऐसा बनाऊंगा ना, तुम लोग देखना एकदम मस्त वाला विंग लगाएंगे उस पर, एग्जॉस्ट अपग्रेड करवाएंगे, ट्यून करवाएंगे क्रेजी एकदम पॉप्स एंड क्रैकल वाली, तुम देखो बस। हम लोग जाना कहाँ है, ओके हम लोग को नीचे से निकलना है भाई। ये गाड़ी यार कैसे, ये इतना डाउन फोर्स कैसे बनाती है भाई, ब्रेक मारो, तुमने देखा एक बार मैंने ब्रेक मारे और गाड़ी खड़ी हो गई यार, 400 भाग रहे थे खड़ी हो गई वो, मेरे को थोड़ी सी भी वो नहीं हुई कि हाँ यार गाड़ी संभलेगी नहीं संभलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई फर्क नहीं, संभल गई गाड़ी, हो गया। क्या सीन है भाई मेरे को नहीं पता, बट ये बहुत अमेजिंगली क्रेजी गाड़ी है भाई। गाइस प्लीज़ डोंट टेल मी हाँ यार, ये वो रेस है क्या, मैंने एक गलती कर दी, मैंने एक टर्न मिस कर दिया था यार, ये वाला भाई। आई होप ये वाली रेस ना हो जो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर ये वो रेस है तो इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट रेस इन दिस गेम मेरे लिए एटलीस्ट भाई, ये बहुत टफ रेस होने वाली है अगर ये वही रेस है जो मैं सोच रहा हूँ तो। हम लोग कौन सी गाड़ी सेलेक्ट करें, देखो हमारे पास 2 गाड़ियों के ऑप्शन है अभी के लिए, एक फरारी FXX के ईवो और हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी कहाँ गई लैम्बोर्गिनी एसेंजा SV12। मैं सोच रहा हूँ लेट्स गो विद SV12, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत सारे होने वाले हैं तो SV12 थोड़ा सा ट्रैक कार ही है तो वो संभाल देगी, फिर एट द सेम टाइम भाई फरारी का कंट्रोल तुम लोगों ने देखा ही हुआ है। बट मेरा मन कर रहा है भाई लेट्स गो, आ जा भाई लैम्बोर्गिनी एसेंजा SV12 में जा रहे हैं हम लोग भाई, मेरा दिल धक धक कर रहा है। बट ये क्या यार, ये गाड़ियाँ क्या खूबसूरत गाड़ियाँ हैं यार, मतलब तुम इनमें से किसी को भी देखो और फिर तुम्हें मन ना करे कि हाँ यार ये गाड़ी क्या खूबसूरत गाड़ी, तो भाई यार क्या टेस्ट है भाई। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो, हो जाए हम लोगों को इस रेस में कैसे भी फर्स्ट आना है, ठीक है कुछ भी हो जाए हम लोगों को इस रेस में फर्स्ट आना है भाई। ये कौन सी गाड़ी है, 2 व्हाट, ओ भाई दोनों लिटरली यार मैंने पहली बार देखी है। पीछे हट बेटे, हम है निडर लोग, हम नहीं डरते किसी से भी थोड़ा बहुत, भाई मम्मी से कौन नहीं डरता है, वैसे कह रहा हूँ मैं रेस में। चलो चलो अरे ढंग से चल भाई, बुगाटी सॉरी ढंग से चला ले अंशु, थोड़ा सा भाई फोकस कर, बोलने की जरूरत नहीं है गाइस प्लीज, इस रेस के लिए मेरे को माफ कर देना बस यार, ये रेस में हम लोग कैसे फर्स्ट आने वाले। ये गाड़ी बट क्या स्क्रीम करती है यार, ओके फर्स्ट लैप में हम अभी तक का सेकंड चल रहे हैं, कोई बात नहीं थोड़ी सी चीटिंग तो चलती है ना भाई जिस दिन मेरे को ये रेसिंग फेडरेशन वाले बैन ही कर देंगे भाई, वो कहेंगे तुझ जैसा चीटर जो पीछे से गाड़ियों को मार रहा है और फर्स्ट आ रहा है
तुझे मैं बैन करता हूँ। भाई हम लोग काफ़ी अच्छी लीड में है, अब हम लोग कोई नहीं हरा सकता, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्यारी लीड में आ चुके हैं एट दिस पॉइंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारी लीड में। अब हम लोगों को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि देखो ये कायदे से सेकेंड लैप, हम लोग सेकेंड लैप में जब इतना आगे आ चुके हैं तो हमको हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये रहा गाइस थर्ड लैप में हम लोग एंट्री ले रहे हैं, ईजी ब्रो ईजी, मतलब ईजी मैं तो कह रहा हूँ, वो लैम्बोर्गिनी सियान मेरे घर पहुँचवा दो उससे पहले कि ये रेस ख़त्म हो, क्योंकि इसके अगली वाली भी मैं चीर ही दूंगा, मेरे को पता है, खुद पर भरोसा होता है ना, जो वो खुद पर भरोसा है, ठीक है तुम टेंशन मत लो। ईजी भाई ये देख रहे हो तुम, भाई डरते हैं क्या? ओए नहीं 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 नहीं, वो अब क्या कर रहे हैं? अरे यार भाई क्या कर रहा हूँ मैं यार, नो वे नहीं 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 भाई, यार मैं बेवकूफ हूँ भाई, ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा भाई ले डूबा, ये मैंने फर्स्ट रेस में भी करा था ओवर कॉन्फिडेंस। भाई हम लोग पांचवी पोजीशन पे आ चुके हैं, रेस खत्म हो रही है, रेस खत्म हो रही है, नो वे नहीं भाई नहीं यार, नो वे ब्रो नहीं भाई यार, हम लोग थर्ड कैसे आ सकते हैं? अबे टैक्टिकल ड्राइविंग तेरे कान क्रिच मार के निकल ले यहाँ से जाइमिन भाई, तू चला जा अभी, मेरा गुस्सा ना इधर से उधर जा चुका है बिल्कुल। गाइस चार रेसेस हो चुके हैं, हम लोग एटलीस्ट तीन में थर्ड आना, तो तीन में हम लोग का एटलीस्ट फर्स्ट आना था, हम लोग को एक में दो में हम लोग थर्ड तक का आ सकते थे, बट भाई इससे गंदा मेरा कभी नहीं हुआ, हम लोग फर्स्ट रेस में सेकंड आए, हम लोग सेकंड रेस में फर्स्ट आए, हम लोग थर्ड रेस में ही फर्स्ट आए, बट हम लोग अपनी फोर्थ रेस में थर्ड आ चुके हैं, विच मीन्स अगर हम लोग अपनी फिफ्थ रेस में फर्स्ट नहीं आए तो हमारे हाथ से वो लैम्बोर्गिनी सियान रोडस्टर निकल जाएगी भाई, एंड बिलीव मी ब्रो दैट इज़ द लास्ट थिंग आई वॉन्ट। भाई वो लैम्बोर्गिनी सियान मेरे हाथ से निकलनी नहीं चाहिए, बस कुछ भी हो जाए वो लैम्बोर्गिनी सियान मेरे हाथ से निकलनी चाहिए भाई, जो हो हम लोगों को लास्ट रेस में फर्स्ट आना ही है बस। भाई जिस चीज़ का मेरे को डर था वही हुआ भाई, लास्ट जो है ना रेस वो एक स्प्रिंट रेस होने वाली है, और डर किस बात का भाई, स्प्रिंट रेसेस तो और ज़्यादा ईजी होती है राइट, तुम लोगों को रस्ते में भगानी है एक तरह से, मतलब थोड़ा टर्न आते हैं बट तुम लोगों को एक तरह से भाई ये गाड़ी क्या आवाज़ करती है यार, बट बात ये नहीं है कि हम लोगों को भगानी है, ये करना है वो करना है, बट मेन बात ये है कि वो कैसी जगह में करना है, तुम समझ रहे हो? ये जैसा तुम देख रहे हो ना जहाँ पर हम अभी हैं, ये भाई ऐसी रोड है वो जहाँ पर हम लोगों को स्प्रिंट रेस करनी है, तो तुम समझ जाओ कि क्या होने वाला है आज। भाई मैं दिमाग में अभी से गाड़ियाँ घुमा रहा हूँ कि कौन सी, क्योंकि मुझे कुछ भी हो भाई आई डोंट केयर भाई, कुछ भी हो अब मेरे को फर्स्ट आना है, अगर मैं फर्स्ट नहीं आ पाया तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है फिर उसके बाद। भाई यार तुम समझ रहे हो ना यार, 19 यूनिट्स इन द वर्ल्ड और उनमें से एक तुम्हारे भाई के पास होने वाली है गेम के अंदर, अगर हम लोगों ने ये रेस फर्स्ट कर ली तो भाई मेरा व्हील आज कुछ तो मैलफंक्शन कर रहा है, तुम लोग देखो खुद से हिल रहा है व्हील, मैं नहीं कर रहा हूँ ये लेफ्ट राइट खुद से कर रहा है बार बार। यार मेरे व्हील में कुछ तो हो गया है आज, मेरे को डर लग रहा है अब, और ये लास्ट रेस में अगर थोड़ा सा भी एक भी चांस है ना कि हम लोग फर्स्ट नहीं आते हैं तो तुम समझ रहे हो ना कि क्या होने वाला है। भाई व्हील लिटरली वॉबल कर रहा है, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची में कर रहा है। भाई मेरे को पता है मेरे को कौन सी गाड़ी लेनी है, हम लोग जाने वाले हैं विद द वन एंड ओनली, अगर मेरे को कोई गाड़ी संभालनी है तो मेरे को पता है वो एक ही गाड़ी है जो मेरे से बहुत ही अच्छे से संभलेगी, वो है अपनी ABCDEF फेरारी FXXKE, वो बस मेरे को पता है ये गाड़ी मैं कहीं पे भी संभाल लूँगा, ये गाड़ी में मेरा हाथ बहुत ज़्यादा अच्छे से सेट है, तो मैं तो भाई अपना 100% इसी गाड़ी में डाल रहा हूँ, अब चाहे कुछ हो जाए। भाई इसका पेंट बिल्कुल उसके ऐसे नहीं लग रहा जैसा अभी हमारी GTR का है, बस इसमें वो है कि ये मैट है वो ग्लॉस है।
गाइस प्लीज कमेंट सेक्शन में प्रे करना भाई, ठीक है प्लीज भाई। और जिसने भी लाइक नहीं करी है वीडियो लाइक कर दो, जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। नो वे भाई, मैंने अपना व्हील ही बाहर निकाल दिया भाई, इतनी जोर से ब्रेक मारे मैंने। शिट, मेरा व्हील ही हल्के हट गया है वो जगह से भाई, लिटरली मेरा व्हील अगर मैं पीछे खींचू मेरे हाथ में आ जा रहा है भाई। नो वे भाई, प्लीज नहीं प्लीज नहीं प्लीज नहीं प्लीज नहीं प्लीज नहीं, भाई लेट्स गो लेट्स गो। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, वी डिड इट भाई, मेरे पसीने छूट गए थे। आई एम सॉरी गाइज, मेरे को पता है मैंने इस पूरे के पूरे टाइम पे थोड़ा सा भी नहीं बोला, जस्ट बिकॉज मेरा पूरा का पूरा भाई फोकस था कि मेरे को कैसे भी भाई, मैंने पूरा का पूरा ही खींच दिया, तुम समझ रहे हो, पीछे को ये पूरा पीछे आ चुका है, ये देखो मेरे हाथ में आ जा रहा है ये, अगर मैं खींच दूँ तो। मैंने बहुत जोर से ब्रेक्स ब्रेक्स मार रहा था भाई, बट लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स लेट्स गो। मैंने तुमसे बोला था ना कि भाई मैं कर दूंगा यार, भाई लेट्स गो, हम लोग आ चुके फर्स्ट, अब हम लोग का होराइजन जाने का टाइम आ चुका है। मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ भाई, अगर फ्रेडी ने बोला है वो दिलाएगा, तो अब फ्रेडी को मुझे वो लैम्बोर्गिनी सियान रोडस्टर दिलानी पड़ेगी, मतलब दिलानी पड़ेगी भाई। मैं वैसे दिलानी पड़ेगी बोल रहा हूँ, बट कायदे से देखा जाए तो एक तरह से मतलब बेसिकली वो लैम्बोर्गिनी सियान मैंने जीती है भाई, ठीक है, कोई मेरे को फ्री में नहीं दिलवा रहा है, वो उसको भी बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है और हम लोगों को वो इसीलिए दिलवा रहा है क्योंकि उसको प्रॉफिट होता है उस चीज़ में, तुम समझ रहे हो। अब सोचो इस बंदे को कितना प्रॉफिट हो रहा होगा अगर ये हमें $3.5 million की कार गिफ्ट कर रहा है, और ये देख रहे हो जैसी मैं हरकत है भाई, ऐसे भाई बस ऐसे नहीं चलाने हैं, ठीक है, तो नई लैम्बोर्गिनी आएगी वो ऐसे नहीं चलानी है। चलो चलते हैं फटाफट से भाई, 5 किलोमीटर है, लेट्स सी मैं कितनी जल्दी पहुंच पाऊंगा, बट लेट्स गो, चलते हैं फटाफट से और जाके क्लेम करते हैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान रोडस्टर द हाइब्रिड हाइपर कार। मतलब वैसे कायदे से अगर हाइपर कार होती तो मज़ा, बट ठीक है यार, फिर उससे वो और ज़्यादा फास्ट होती तो और बढ़िया चीज़ है, मतलब क्या ही बोल सकते हैं राइट भाई। बस यार वही होता है कि मेरे को इलेक्ट्रिक कार से कोई बहुत ज़्यादा दुश्मनी नहीं है भाई, मैंने तो कभी चलाई भी नहीं है, एक्चुअली चलाई है बट भाई, और जो i7 ही चलाई है सीधा, जो कि बहुत तेज़ है, बट यार इलेक्ट्रिक कार्स में पता क्या है, कम्फर्ट बहुत क्रेजी है, झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि गाड़ी में ना साउंड नहीं होता, वाइब्रेशंस होती, मैं i7 में तो है ही नहीं, ठीक है, वाइब्रेशंस नहीं होती है और वो सब चीज़ें, बट फिर यार गाड़ी का फील ही ख़त्म हो जाता है जब मैं अपनी ये 911 चलाता हूँ भाई, जब गाड़ी रोर करती है ना फील होता है इंजन, पता है तुम्हें, हाथ पे अपने, तुम जब चला रहे होते हो और खींचती है ना गाड़ी तो भाई वो हाथ पे फील होता है, मज़ा आता है, बट उसमें क्या होता है उसमें पता ही नहीं चलता, सोललेस चल रही है बिल्कुल गाड़ी, ऐसे खींचे जा रही है, चले जा रही है वो वाली चीज़ होती है, थोड़ा सा अजीब हो जाता है, तो इसीलिए मेरे को इतनी ज़्यादा मन नहीं भाती है, बट फिर भी मतलब काम तो उसका भी है यार, बहुत ही क्रेजी चीज़ है, बट फिर वही वाली चीज़ है कि अपने अपने पर्सपेक्टिव से है, तुम समझ रहे हो। तो चलो
करते हैं क्लेम अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को। तो गाइस फाइनली हम लोगों को मिल चुकी है हमारी लैम्बोर्गिनी सियान। भाई ये क्या लग रही है देख रहे हो तुम लोग एक बार? ओह माय गॉड, नो वे भाई। ये देखो मस्त करके यहाँ पे इटली का वो भी है, इटली हाँ इटली है ना भाई, मैं एक बारी को कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। भाई इटालियन ही है ना, इटालियन ही होती है ना कार भाई? मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मेरा दिमाग पूरा घूम रहा है भाई लिटरली। इस पे इटली का कितना प्यारा सा देखो वो कर रखा है, फ्लैग होस्ट कर रखा है। ओ हम लोग इसको एक्चुअली, एक मिनट ये क्या कर सकते हैं हम इसको? ओह माय गॉड भाई ये कितना प्यारा लग रहा है, और ये कितना ज्यादा बड़ा है भाई इसका ये। डैम ब्रो ये पीछे से खुलती है? तो गाइस कायदे से ये खुलता नहीं है, बट हम लोगों ने इसका बैग जो था वो पूरा का पूरा खोल ही दिया है। बट ये देख रहे हो भाई, यार हम लोग इसके इंजन बे के अंदर कैसे झांक सकते हैं भाई? मेरे को ऊपर से देखना है लिटरली। ये क्या है? ओ हम लोग नंबर प्लेट में मस्ती कर सकते हैं? नहीं नहीं भाई कुछ मस्ती नहीं करनी है। थैंक यू भाई, थैंक यू एक्सेप्टेड भाई। अंशु 007 बढ़िया है भाई, अंशु 007 भाई साहब। रुको हम लोग यहाँ पर आया था अभी, ऑप्शन आया था गाइस अंदर एंट्री मारने का ऑप्शन आया था राइट? भाई ये है वो V12 इंजन, तुम समझ रहे हो ना? इसके साथ साथ मतलब बेसिकली कुछ तो गियर उसमें गियर बॉक्स में एक कुछ तो किलोवाट का एक मोटर इंजन भी लगा हुआ है बहुत मस्त सा, तो वो अलग है पावर देता है, बट यही बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तुम समझ रहे हो ना, लैम्बोर्गिनी का एक टाइम का सबसे ज़्यादा, अभी भी होगा मेरे ख्याल से, क्या पता, या फिर रिवल्टो का है मेरे को नहीं पता, बट गारंटीड भाई वन ऑफ द फास्टेस्ट इंजन जो क्रिएट कर रहे हैं भाई लैम्बोर्गिनी ने, तो वो तो बहुत ज़्यादा मस्त चीज़ है। ओह बटरफ्लाई डोर्स भाई, भाई मेरे को जनरली पता ना ठीक है कमेंट सेक्शन में कि पहली गाड़ी कौन सी थी वर्ल्ड की जिसमें बटरफ्लाई डोर थे। मेरे ख्याल से कुंटास थी बट मेरे को कंफर्म नहीं पता था, तुम लोग बताना क्योंकि मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है आ जाओ ड्राइवर सीट पे चलते हैं सबसे पहले, या फिर रुको ड्राइवर सीट से पहले इसका आगे क्या है भाई? ये खुलता है क्या? नहीं ना, हाँ नहीं नहीं क्योंकि इसमें भाई यार हाइपर कार में स्टोरेज का तो कहाँ ही होगा, बट रहने दो भाई, फिर आ जाएगा उधर से क्या कहते हैं उसे कॉनिक्सेक वाला, और उसके बाद बोलेगा ये लो गमेरा एक हाइपर फैमिली कार। आ जाओ गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। व्हाट? अच्छा मैं रेस नहीं दे सकता, बट भाई ये क्या कंसोल है देख रहे हो तुम लोग? वाओ भाई यार पता नहीं यार लैम्बोर्गिनी ये चीज तो बहुत ज्यादा क्रेजी कूल करता है। और तुम देखो ना कहीं पे भी गियर नॉब नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम लोगों को वही होता है ना पैडल शिफ्ट से पहले गियर मार के आगे बढ़ना होता है, वो सब चीज़ें। इसमें कोई गियर नॉब भी नहीं है देख रहे हो अगल बगल में, वो एम डाल के वो सब रिवर्स डालने के लिए आर दबाओगे। क्या क्रेजी कार है भाई, इंटीरियर देखो ना, ओ भाई साहब यार क्या गाड़ी। एंड बिलीव मी ब्रो मैंने लैम्बोर्गिनी चलाई भी है भाई, अलग ही एक्सपीरियंस है ब्रो। सारी गाड़ियाँ एक तरफ, लैम्बोर्गिनी एक तरफ, भाई अलग ही एक्सपीरियंस है, अलग ही मतलब मज़ा ही आ जाता है भाई, फील होती है मतलब कि हाँ तुम कोई खतरनाक गाड़ी के अंदर हो। चलो गाइस बहुत ज़्यादा मस्ती हो गई है, अब इस गाड़ी को लेके चलते हैं जरा रोड पे भाई, लेट्स गो इट इज़ टाइम। हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को रोड पे लेके आने वाले। अरे ये क्या है भाई, ये कौन सा ट्रक ट्रुक डाल दिया है ये? भाई टेल मी ये अभी तक का हमारी मोस्ट ब्यूटीफुल कार नहीं है भाई, बोल दो भाई। अभी तक का मेरे कलेक्शन में जितनी भी कार्स है, फिर वो चाहे फरारीज हो या फिर लैम्बोर्गिनीज हो दूसरी, या फिर पगानी हो या फिर निसान की GTR हो या फिर Porsche हो कोई भी, भाई टेल मी कि ये अभी तक की सबसे ज़्यादा खूबसूरत गाड़ी नहीं है द लैम्बोर्गिनी सियान। ओ माई गॉड भाई बकेट सीट देख रहे हो उसकी कैसी बकेट सीट है, लिटरली बकेट है भाई। माय गॉड भाई ये क्या कार है यार, नो वे भाई नो वे भाई। इसका मैं पीछे का वो खोल सकता हूँ क्या? नहीं ना, के से होता था जे से होता था,
ऐसे तो नहीं खोल पाऊंगा, आई थिंक वो एक स्पीड के बाद ही खुलता होगा। आओ देखते हैं क्या है वो स्पीड। हो जाएगा इस पहले यहाँ से जाते हैं हम लोग अपने पहले स्पीड ट्रैप तक जाएंगे। तुम लोगों को पता है हम लोगों को एक स्पीड अचीव करनी है, हमारी करेरा एस ने भी भाई 227 के आसपास अचीव कर दी, लेकिन अब देखते हैं कि एक हाइपर कार क्या कर पाएगी भाई, जैसे कि ये लैम्बोर्गिनी सियान है। सो लेट्स गो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग 0 to 100 LC में स्टार्ट करेंगे लॉन्च कंट्रोल में। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से जो हमारा पहला स्पीड ट्रैप पड़ता है उतने में कितनी जाती है। सौ के बाद खुल जाता है इसका भाई, कि तो कूल लग रहा है यार। बट वही है कि मतलब इसको अपग्रेड तो मांग रही है ये गाड़ी, मैं मना नहीं करूंगा भाई, अपग्रेड तो मांग रही है ये गाड़ी। अगर हम इसको अपग्रेड करेंगे तो एक क्रेजी परफॉर्मेंस देगी, बट भाई मैं मजाक नहीं करूंगा यार, ये जितनी दिखने की है, ये जितनी भागने की है ना भाई, मेरे को तो प्यार हो गया है भाई। लेकिन मतलब ऐसा वाला नहीं हुआ है कि भाई एक दिन लूंगा वाला नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं। अगर मेरे पास होंगे भी 80 करोड़ मैं तब भी नहीं लूंगा भाई। हाँ मतलब 1000-2000 करोड़ पड़े होंगे तो एक बारी को भाई फिर मेरे को क्या होता है पता है, फिर मेरे को याद आती है वो वाली मुझे चाटा मार्केट भाई चुप करो कुत्ते भाई यार ये क्या गाड़ी है ब्रो, मैं झूठ बोलूंगा यार ये क्या नेक्स्ट लेवल। देखिए मेरे को पता है लेजेंड्स STO की याद आ गई जो मैंने चलाई थी, अरे वो बहुत नेक्स्ट लेवल क्रेजी कार थी, मेरे को जनरली उसी STO की याद आई इसको देख के, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा अलग है, ये तो बहुत ही ज़्यादा कैसे बोलूँ यार, ये अलग ही गाड़ी है। एक काम करते हैं इसको हाईवे पर ले जाते हैं और देखते हैं अभी के लिए इसकी टॉप स्पीड क्या है, क्योंकि भाई मैं तो इस बार मैं भाई लास्ट टाइम तक का मैं पूछता था तुमसे कि भाई हम लोग इसको बनाए नहीं करें, इसको हम लोग 20 बनाए नहीं बनाए, अपग्रेड करें नहीं करें, बट जनरली भाई इस गाड़ी को तो मैं करने वाला हूँ, ठीक है, इसको मैं एकदम मेगा बीस्ट बनाने वाला हूँ। तुम बस देखते जाओ भाई इस गाड़ी को मैं एकदम क्रेजी नेक्स्ट लेवल भाई भाई कुत्ता बनाएगी ये गाड़ी सारी गाड़ियों का, ऐसी गाड़ी बनाऊंगा तुम देखो, इसको मैं बहुत क्रेजी बनाने वाला हूँ। लेट्स सी अभी के लिए ये गाड़ी कितना क्लॉक कर पा रही है विदाउट एनी अपग्रेड्स, स्टॉक आउट ऑफ फैक्ट्री, ठीक है। चलो पहले गियर में देखते हैं, पहले गियर में या फिर 0 to 100 देखते हैं। गाइस मेरे को ना इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलना इसका 0 to 100 बना के, ठीक है, कि ये कितनी तेज भागी है। गेमर प्लेट हो जाए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो भी कर लेना, 2 मिलियन की तरफ को जा रहे हैं तो जल्दी से 2 मिलियन फॉलोअर्स भी करवा दो। चलो लेट्स गो, रेडी 0 to 100 देखते हैं। पता क्या हो रहा है मैं बताता हूँ, इसका इनिशियल इतना क्रेजी क्यों नहीं है, क्योंकि आई थिंक इसमें स्टार्टिंग में ना इलेक्ट्रिक वो चल रही है, मोटर चल रही है, उसके बाद ही कंबशन में चेंज हो रही है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। 0 to 100 बताना। अब देखते हैं इसके सारे के सारे गियर्स में कितना करती है। पहले गियर में 95, सेकंड गियर में 154, थर्ड गियर में 208, फोर्थ गियर में 260, गियर में 320, फिफ्थ गियर में 320, ओके भाई बढ़िया यार भाई बहुत ही खूबसूरत। अभी ये क्या हुआ, मैं फोटो खींचना नहीं चाहता था, बट अब आए गए हैं तो खींच ही लेते हैं भाई साहब, क्या लग रही है ब्रो भाई, टेक फोटो एंटर, भाई ये बहुत ही क्रेजी थी भाई, ये बहुत क्रेजी फोटो थी गाइस। तुम लोगों को अगर ये चाहिए होगी मैं अपने ब्रॉडकास्ट में डालूंगा इसको, गारंटीड ब्रो, ये फोटो मैं गारंटीड अपने ब्रॉडकास्ट में डालूंगा, इसीलिए कह रहा हूँ इंस्टाग्राम पे आ जाना ब्रो। ओ माय गॉड भाई भाई मैंने इसकी एक मस्त फोटो तो खींच दी है भाई, जो भी बोलो, बट ये क्या लग रही है भाई खींचते हुए। करवाओ ना मुझसे, तुम देख रहे हो, इसीलिए कहते हैं गाइस फोन वोन में नहीं लगते वो सब, तू बोलते इसीलिए बोलते,
ताकि तुम ऐसी हरकतें ना करो जैसी मैंने करी है अभी। चलो देखते हैं, पांचवें गियर पे 320 गई थी, उसके बाद हमने छठे गियर का चेक नहीं करा था राइट, तो हम लोग छठे गियर का चेक करने वाले हैं। भाई इसमें है कितने गियर? ओ सात गियर है भाई, हम तो छठा भी चेक नहीं कर पा रहे हैं, खत्म हो गया ऑलमोस्ट भाई। मेरे ख्याल से 400 तो जाती होगी। अभी जो है ना अपना हाईवे खत्म हो रहा है, तो हम लोग उसको घुमा लेते हैं यहाँ से। भाई छठे गियर पे 360 प्लस जा चुकी है अभी तक, सोच रहे हो? ये कुछ भी अपग्रेड नहीं हुई है, कुछ भी, इसमें मैंने कुछ भी मॉडिंग नहीं करी है और ये ऑलरेडी 360 प्लस जा चुकी है। 360 भी छोड़ो, 374, 376, 377 गई है छठे गियर में विदाउट एनी अपग्रेड्स। वाह बहुत क्लोज कॉल था भाई, 380 जा रही है, 380 आराम से जा रही है, ये 380 जा चुकी है गाइस, 381, 383, सातवें गियर पे 387, 390, डोंट टेल मी ये स्टॉक में 400 जा रही है क्या यार? चले जा प्लीज, चले जा यार, हाईवे खत्म हो रहा है प्लीज। 390 यार, ओए ओए ओए, कोई बंदा आ रहा है भाई, ये स्टॉक गाड़ी, ये स्टॉक में भाई 390 जा रही थी ऑलमोस्ट, तुम समझ रहे हो भाई, स्टॉक में 390 प्लस गई है, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली कितनी हाई गई है। अरे यार भाई मैं यहाँ हेड टू हेड करने नहीं आया हूँ भाई, वैसे भी स्टॉक गाड़ी है वो अपनी मैक्स आउट करके आया हुआ है हेड टू हेड के लिए, बताता हूँ तेरे को, रुक जा एक बार, अगले एपिसोड में इसको बीस्ट बना के बताता हूँ मैं भाई, कोई भी आ जाए हेड टू हेड इस गाड़ी के भाई, इसको ऐसी गाड़ी बनाएंगे ना, हमारी पूरी फ्लीट में सबसे फास्टेस्ट गाड़ी भाई इस लैम्बोर्गिनी सियान को बनाऊंगा मैं, तुम बस देखते जाओ भाई। जिसने भी लाइक नहीं करा ना गाइस, लाइक वाला बटन दबा दो, जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ठीक है, क्या तुम लोगों को ये लैम्बोर्गिनी सियान मस्त लगी और क्या हम लोग इसको, भाई मैं करने वाला हूँ इसको भाई, फिर भी तुम लोग एक बार बताना, मुझे ही पता है कि तुम लोग देखना चाहोगे भाई, ये क्या गाड़ी लग रही है भाई, अभी तक की अकॉर्डिंग टू मी हमारी पूरी फ्लीट में सबसे खूबसूरत गाड़ी ये लैम्बोर्गिनी सियान रोडस्टर है, हैंड्स डाउन भाई, हैंड्स अब क्यों कर रहा हूँ मैं, हैंड्स डाउन भाई ये सबसे फास्टेस्ट बनाऊंगा मैं, तुम देखो बस, जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर दो, जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।